हे हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जावा फोन के गेम्स को हैक कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको जावा हैक नाम का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 फाइल्स मिलेगी, 3 हैक डेटा एडिट। यहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप मैच कर लेना, .zip है। तो आप कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, मैं पूरी प्रोसेस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको गैंगस्टर कैम सिटी 3.jar मिलेगा, मिनी कमांडर मिलेगा। तो इसे आप जस्ट इंस्टॉल कर लेना है और यस करना है। ये इंस्टॉल्ड हो चुका है, यस करना है और इसे कट कर सकते हो आप। इसे कट करके जावा में जाओ और फिर से यहाँ पे जावा मिलेगा, यहाँ पे मिनी कमांडर को ओपन करना है और यहाँ पे यस करते हैं। लोडिंग प्रॉब्लम आएगा तो आपको इस सेंटर वाले बटन को प्रेस करके हटा देना है। तो यहाँ पे लोड होने देते हैं, ये लोड हो चुका है। यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड मिलेगा, इस पर आप ये वाला बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर आप टाइप करोगे तो इधर आ जाओगे। इस पर फिर मेमोरी कार्ड को ओपन करना है और थोड़ा सा यहाँ पर जाना है, और यहाँ मैं बताता हूँ कहाँ पर जाना है आपको। दोस्तों, यहाँ पे जावा हैक नाम का फोल्डर मिलेगा, इस पर आपको फिर से टाइप कर खोल लेना है। इधर आओगे आप तो इधर भी उसी फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर मल्टी फाइल मैनेजर है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये आपको फाइल आराम से दिख रहा होगा और 3 हैक डेटा फाइल दोनों में ओपन है। तो यहाँ पे आपको गैंगस्टर क्राइम सिटी को ओपन कर लेना है सेंटर वाले बटन प्रेस करके, और उसके बाद यहाँ पे आपको 3 हैक फाइल को ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टार स्टार ये रहा स्टार बटन, स्टार को आप प्रेस करोगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 को प्रेस करना है। 5 प्रेस करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप ऑप्शन आओगे और ओके करोगे और यस करोगे और ये अपडेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पे फिनिश हो गया दोस्तों। अगर ये फिनिश नहीं, एरर हो जाता है तो फिर से आप ट्राई करना, क्योंकि एक दो बार एरर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको सीधे चले आना है इस वाले फाइल मैनेजर में, आपको मेटा इनफ का फाइल मिल गया, फोल्डर है दोस्तों। इस पर आप टाइप करना, टाइप करने के बाद यहाँ पे मिनीफेस्ट .mf का फोल्डर मिलेगा। तो इस पर आप थोड़ा सा हमें वेट कर, थोड़ा सा हमें मेरा कैमरा लॉक कर रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ फ्रेंड। हाँ दोस्तों, मैनीफेस्ट .mf, तो इसे आप टाइप करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए दोस्तों, आपको फिर 4 प्रेस करना है और यहाँ पे UTF-8 पे आपको ओके कर देना है, इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, आपको फिर से प्रेस करना है। दोस्तों, आपको यहाँ तक लिखा हुआ मिलेगा, 2.0 तक आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको एक बार इंटर मारना है। अगर इंटर, अगर पहले से इंटर है तो कोई बात नहीं, एक बार इंटर मारना है। डबल इंटर हो तो आप उसे कैंसिल कर देना। फिर MI-MIDLET, फिर इसी तरीके से आपको लिख देना है। वैसे फिर 2, फिर स्लैश, सॉरी दोस्तों, रेशियो, और उसके बाद एक बार स्पेस मारोगे आप इस। दोस्तों, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, अगर इधर उधर करते हो तो वीडियो वर्क नहीं करेगी। तो सम्राट, फिर DOUBLE COMMA, फिर हैक लिखोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको स्मॉल लेटर, यहाँ पर हैक स्मॉल लेटर में रहेगा, सम्राट आप किसी भी लेटर में लिख सकते हो, और यहाँ पर मिडलेट और 2 इसी तरीके लिखना है, यहाँ पे स्पेस मारना है। अगर कोई गलती करते हो तो ये वीडियो वर्क नहीं करेगी। तो इसे आपको ओपन करना है, ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, मैं प्रोसेस में बताता हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ पे इस बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे इस पर टैप करूँ और यस करूँ, ठीक है। ये रिपैकिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ रिपैकिंग, ठीक है। ये रिपैक हो चुका है आपको, सीधे आप गेम जो है वह लगभग हैक हो चुका है। तो आपको बैक करना है और उसे कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है अपने। तो फाइल में जाने के बाद फिर से आपको उसी फोल्डर में जाना है, जावा में, जावा हैक, और यहाँ पे गैंगस्टर क्राइम सिटी है हमारा गेम, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यस, इंस्टॉल हो चुका है, आप इसे कैंसिल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जावा मिल जाएगा, जावा माने के बाद यहाँ पे फिर जावा, फिर गैंगस्टर क्राइम सिटी, आपको नीचे सम्राट नाम का फोल्डर मिल, सम्राट दिख रहा होगा जैसे कि मैं वहाँ पे हैक के बगल में लिखा था। तो यहाँ पे आपको ये गैंगस्टर क्राइम सिटी को पहले आपको गेम ओपन करना है, फिर उसके बाद क्या करना है मैं पूरी प्रोसेस में बताता हूँ। लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये गेम मैंने पहली बार ओपन किया और चाहे जब ओपन करोगे तो इससे थोड़ा सा टाइम लेता है। 5 प्रेस करके ओपन करता हूँ उसे।
यहाँ पे न्यू गेम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप पहले से ही गेम को खेले हुए तो उस गेम को आप रिसेट करना है और न्यू गेम को स्टार्ट करना है। दोस्तों इसे स्किप कर सकते हो आप, और इसे आपको स्किप करना है ठीक है। अब आगे बढ़ना है, इसे मार भी सकते हो आप इसे। आपको चेक यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ तक जाना है इसे। यहाँ पे चेक पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ पे स्किप करना है और अंदर से टैप करके फिर स्किप कर लेना है। और यहाँ पे 50 कॉइन आपको याद रखना है, अगर आपके पास कोई कॉइन एक दो कॉइन है तभी ये शायद वर्क करे, उसके पहले ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो चुका है इसमें सारा काम, अब इसे हम गेम को कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से गैंगस्टर क्राइम सिटी ओपन करेंगे और नीचे सम्राट वाले पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आपको यहाँ पे आप 5 प्रेस करना है और फिर ये बटन आपको दाबना है। उसके बाद ये बटन दाबने के बाद आपको टैप करना है इस सेंटर वाले बटन को। तो इस तरह से कुछ कोडिंग होगी, खतरनाक कोडिंग है। तो आप इस पर फिर से एक बार टैप कर लो और इसके अंदर चले जाओगे। दोस्तों आपका कॉइन कितना था, 70 कॉइन था ठीक है। तो मैं इस कॉइन को दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे ये 70 कॉइन दिख रहा है ठीक है। इसको आपको जस्ट एडिट कर देना है, इसे 99 कर दीजिए। ठीक, अब आपको इधर जो है इसे ख़त्म कर दीजिए, 9 कर दीजिए, और यहाँ पर भी आके 9 कर दीजिए। और दोस्तों आपको यहाँ पे 0 है इसे क्लियर करना है और फिर से यहाँ पे 9 और 9 टाइप करना है, और इसके बगल में आने के यहाँ पे 9 फिर से टाइप कर देना है ठीक है। और यहाँ पे 0 है तो इसे आप क्लियर करो और फिर से 9 और 9 टाइप करो ठीक है। इतना करने के बाद आपको सीधे आप डन करना है और हमारी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी है। और XONG हॉन्ज लिखा है तो इस पे जॉन्ज लिखा है, इस पे टाइप करना। और मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कलर आया, फ्लैश लाइट आ जा रहा है तो आपको दिखाना थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको इस वाले बटन को प्रेस करना है, और इसे प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको फिर से इस पे हो गया। अब आपको गेम ओपन करना है, गैंगस्टर क्राइम सिटी को। गैंगस्टर क्राइम सिटी को ओपन करते ही आपको अब इसे कॉन्टिन्यूस प्ले करना है। तो आप ऊपर क्वाइन देख सकते हो, 99999 डॉलर हो चुका है। तो